नमस्कार दोस्तों, इस रेसिपी को मैंने किस तरीके से बनाया है वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा मैं इस रेसिपी किस प्रकार शेयर की हूँ। सब्जी को बनाने के लिए ये हमने आलू छील रखे हैं, छोटे छोटे एक ही साइज के सारे आलू रहने चाहिए। और ये फोग मैंने रखा है, इससे इनमें हम गैप करेंगे, मतलब ऐसा करेंगे कि इसके अंदर घुस जाए। तो इस तरीके से हम मतलब चारों तरफ से आलूओं में इस तरीके से देख रहे हैं ना, इसी तरीके से सारे तरफ हम फोक से मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आलू में मैं किस तरीके से होल कर रही हूँ, इसी तरीके से फोक से सारे आलू करना है। और यहाँ मैंने प्याज काट लिया बारीक बारीक, इतना मैंने लहसुन लिया है और ये अदरक का पीस है और ये टमाटर मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। यहाँ पर मैंने जीरा और ये सूखी मिर्च ली है लाल, और ये है दोस्तों काजू। तो ये सारी सामग्री मैंने तैयार कर रखी है और इसे अब कैसे बनाते हैं आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इन आलूओं में ना इस तरीके से होल बनाने हैं, इस फोक की मदद से आलूओं में ऐसे ऐसे फोक बनाने हैं। इसमें मैंने पहले से ही बना दिया है, फिर आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से इसमें फोक बना देना है, सारी आलूओं में इसी तरीके से बना देना है आपको, इससे अच्छा पड़ेगा। दोस्तों कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, इसके बाद सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम ये जीरा और ये सूखी मिर्च डाल देंगे और ये चटकने लगेगी। और इसके बाद डालेंगे हम दोस्तों प्याज, ये दोस्तों प्याज पांच प्याज है, ये मीडियम साइज में पांच प्याज है, इसको हल्का सा होने देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और यहाँ पे मैंने डाला है ये लहसुन और ये अदरक, एक जो पिंच था ये मैंने डाल दिया है। और जो भी हम इसमें डालेंगे उससे बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है। अब इसको भी हम दो मिनट भून लेते हैं, इसके बाद और चीज़ डालेंगे हम। तो अब हम डालेंगे दोस्तों ये काजू, इसको भी हम दो मिनट तक मतलब रोस्ट करेंगे, इसको भी दो मिनट के लिए भून लेते हैं, उसके बाद हम और बाकी चीज़ डालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सारी चीज़ें इसमें मैंने डाल दी है और इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से जो इसमें सारी चीज़ें हैं वो नरम हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, इसलिए इसमें हम नमक डालेंगे। और नमक डालने के बाद इसको हम ढक देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी सी धीमी आँच करके इसे हम पकने देंगे, धीमी आँच करके। तो यहाँ मैंने ढक दिया और थोड़ी बाद देखिए ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। तो ये थोड़ा सा दोस्तों टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाता है, इसके बाद इसमें हम बाकी का और चीज़ डालेंगे। तो इसमें दोस्तों पहले हम एक चम्मच हल्दी डालेंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें देवी मिर्च डालेंगे, मतलब एक चम्मच के लगभग इसमें देवी मिर्च डाल देंगे। और ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चम्मच ये धनिया पाउडर ले रही हूँ और इसमें ये थोड़ा सा गर्म मसाला ले रही हूँ। इसमें दोस्तों ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है, गर्मी के लिए बहुत अच्छी सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा मसाला का इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इसको हम थोड़ा भूनेंगे और ये देखिए ये कस्तूरी मेथी है, इसको भी मैंने डाल दिया है। और ये सब दोस्तों डालने के बाद इसमें हम ज़रा सा पानी डालेंगे ताकि इसमें का जो सारा सा इसे भूनेंगे और ज़रा सा हम पानी डालेंगे। तो पानी एकदम बिल्कुल हल्का सा ही डालना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पानी डाल दिया है और सॉफ्ट होने तक इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे हम ढक के छोड़ देते हैं। जब सॉफ्ट हो जाएगा तो इसके बाद हम बाकी काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम एक दूसरे बर्तन में निकालेंगे, इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं अब।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सारे के सारे मैं इस थाली में निकाल लूँगी। इसे हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसे पीसेंगे। तो इसे इस थाली में मैंने निकाल लिया है इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों थाली में मैंने निकाल लिया है। अभी से हम करीब 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, 10-5 मिनट जैसा भी हो, पंखे के नीचे रख के फटाफट ठंडा हो जाएगा। तो इसको अब ठंडा होने तक इसको हम छोड़ देंगे यहाँ पे। ये ठंडा हो जाता है उसके बाद बाकी का काम करेंगे, तब तक ठंडा हो जाता है ये। और जब तक वो ठंडा होता है तब तक ये कढ़ाई को धूल करके मैं इसमें जा रही हूँ। अब थोड़ा सा घी डालूँगी, देसी घी। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा देसी घी और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है। और इसमें जो ये आलू मैंने छील करके और कर रखा था इसको हम सेलो फ्राई करेंगे। जब तक हमारा वो ठंडा होता है तब तक इसमें हम ये आलू डाल करके इसको सेलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इन आलूओं को मैं सेलो फ्राई कर रही हूँ, धीमी आँच से इसे आराम से होने देंगे ताकि ये आलू अच्छे से हो जाए। अब दोस्तों ये जो हमने ठंडा करने के लिए रखा था इसको हम इसमें डालेंगे मिक्सर में, इसको पीसेंगे, इसको फाइन पेस्ट बारीक बारीक करके इसको पीसेंगे। तो इन सारे को मैं इसमें डाल करके इसको पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सारे के सारे इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब चल रहे हैं इसको हम पीसेंगे फाइन पेस्ट में। इसको फाइन पेस्ट में हम इसको पीस लेते हैं और पीस करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से ये पेस्ट पीस के तैयार कर लिया है मैंने। इसको अब हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने जिस थाली में निकाला था उसी थाली में ये पेस्ट पीस करके इसी थाली में रख दिया है। मैंने दूसरा बर्तन नहीं लगाया है तो इसी में मैंने पीस करके इसी बर्तन में पलट दिया है। और यहाँ देखिए आलू फ्राई हो रहे हैं, थोड़े से और फ्राई हो जाते हैं, इसके बाद इसको हम निकालेंगे फ्राई करने के बाद। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आलू ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम एक बर्तन में निकाल देंगे। ये देखिए अच्छे से ब्राउन हो चुका है, तो इसे हम एक बर्तन में निकाल देंगे सारे आलूओं को इसी तरीके से। और यहाँ पे सारे आलू को मैंने प्लेट में निकाल दिया है। अब मैंने रख दिया है यहाँ पे कढ़ाई। तो कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी और थोड़ा तेल मिला रखा है और इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है जीरा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये जो मैंने पीस रखा था पेस्ट, इसमें सब डाल देंगे, सब डाल देंगे इसके अंदर। इसको बस 2-3 मिनट दोस्तों भूनेंगे, क्योंकि ये पहले से भुना हुआ है। थोड़ा सा 2-3 मिनट भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। इसे 2-3 मिनट भून जाए तो इसे 2-3 मिनट दोस्तों भूनेंगे, इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी के हिसाब से आप पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें जितना ग्रेवी चाहिए उतना हमने ग्रेवी डाल दिया है। बहुत ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता है। और इसी के साथ ये आलू डाल देंगे हम। तो आलू इसके साथ ही पकेंगे, इसको डाल करके इसको छोड़ देंगे, इसे हम पकने देंगे 10-15 मिनट करीब पकेंगे। तो अभी इसे हम ढक देंगे दोस्तों और ये पकने के लिए हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये पकना शुरू हो गया है और ये कस्तूरी मेथी है जो मैंने हाथों से मसल लिया है, इसमें डाल देंगे और इसे धीमी आंच पे पकने देंगे ताकि इसमें का जो आलू है वो अच्छे से हो सके। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे छोड़ देती हूँ, ये अच्छे से हो जाता है। दोस्तों ये सब्ज़ी हो चुकी है और हमने इसमें थोड़ा सा मलाई डालेंगे, मेरा ये घर का मलाई, थोड़ा सा मैं दूध में से मलाई निकाली हूँ तो ये थोड़ा सा डाली हूँ। आपके पास ज़्यादा हो तो डाल लीजिएगा, मेरे पास थोड़ा ही था तो मैंने थोड़ा सा ही डाला है। ऐसे हम मिला देंगे और इसे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ ये सब्ज़ी को। तो दोस्तों ये सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस तरीके की सब्ज़ी बनाने के लिए आप जो मैं बताएँ वही करिएगा। और ये सब्ज़ी जो है ना बहुत हल्के मसाले में बनके तैयार होती है, इसमें मसाला बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है और खाने में बहुत टेस्ट लगता है।
तो यही है आज का मेरा रेसिपी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।